ये मौसम रंग करवट बदलता हुआ आईटीआई 11 के इस मैदान पर राडेगांव की सरजमी पर आज का ये दूसरा दिन और पहला मुकाबला जूनियर बाबू डोंगरगड्डा वर्सेस आदर्श क्रिकेट क्लब राडेगांव के बीच होने वाला ये पहला मुकाबला। टॉस जीता यहां पर जूनियर बाबू डोंगरगड्डा के कप्तान ने और पहले ही उनका फैसला गेंदबाजी का। दौर का सर्कल किस तरह से फायदा उठाते हैं सर्कल का कप्तान कर्णधार समीर जो कि स्ट्राइक पर है नॉ स्ट्राइक पर है प्रशांत पहले ओवर की पहली गेंद पूरी तरह से सज्ज बल्लेबाज कैमरामैन सज्ज स्कोरर सज्ज डीजे बाबू भी सज्ज। यह अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से निकलती हुई उछाल लेती हुई आज काफी बदलाव दिखेगा इस पिच पर वो जो नमी थी कल के मुकाबले में थोड़ी सी करवट बदलती हुई ये पिच इसमें कोई दोहरा ही नहीं पर सूरज जैसे आसमान के अंदर गया है तो यहां पर फिर से नमी आती हुई वही लाइन वही दिशा वही एंगल से ही शॉट लगाना चाहते कप्तान थोड़ा सा बैकफुट पे नहीं पर फ्रंट फुट पे तो थोड़ा आके इस शॉट को खेलना पड़ेगा। खड़े खड़े शॉट अगर जब खेलेंगे आप तो यहां पर वही दिशा से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज तो नामुमकिन होगा इस शॉट को खेलने में कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और समझाते हुए प्रशांत कि जो एंगल से बल्लेबाजी आप कर रहे हैं तो यहां पर अपनी शैली बदलना पड़ेगा बल्लेबाजी की। राइट आर्म रन और द विकेट अब ये व्हाइट व्हाइट से खाता खुला व्हाइट के साथ रन संख्या यहां पर एक रन का इजाफा। खुशगवार ये मौसम ठंडागार सा वातावरण कश्मीर सा छा गया इस मैदान पर इस बार अच्छा कनेक्ट किया गेंद हवा में है पर फील्डर वहां पर कवर के क्षेत्र में वहां फील्डर मौजूद और बल्ले से कप्तान के रन निकलता हुआ कि जानते हैं ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है आदर्श क्रिकेट क्लब राडेगांव के लिए। ये जैसी साझेदारी बढ़ती जाएगी बल्लेबाजी में निखार आता जाएगा। फिर से अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और दो विकेट खूबसूरत शॉट और बेहतरीन कैच कप्तान द्वारा अच्छी कोशिश थी प्रशांत की मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे इसे पर हाथों में दे बैठे आसान सा कैच शायद कनेक्ट नहीं हुआ बल्ले से उनके। पहला महत्वपूर्ण यह सलामी बल्लेबाजी का विकेट जूनियर बाबू डोंगरगड्डा की गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी का मुजहरा दिखाया यहां पर। अब जा रहे वन डाउन की भूमिका निभाने के लिए अमित 15 नंबर का खिलाड़ी है और इनके पास में काबिलियत है यकीनन आत्मविश्वास है वो बल्लेबाजी करने का किस तरह की साझेदारी निभाते हैं। प्रशांत काफी सस्ते में लौटे बिना खाता खोले प्रशांत आउट अमित स्ट्राइक पर वन डाउन की भूमिका निभाने के लिए आए हैं। राइट आर्म और द विकेट अमित के लिए अगली गेंद इस बार मिड विकेट की जानिब खेला केवल एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा प्रभावित होना पड़ेगा बल्लेबाज को इसी एक रन के साथ एक विकेट के नुकसान पे रन संख्या जा पहुंची आदर्श क्रिकेट क्लब राडेगांव का स्कोर 3 रन। बढ़िया शॉट कप्तान के बल्ले से यकीनन आत्मविश्वास बढ़ जाएगा यहां पर समीर लाखानी का।
समर लाखानी जानते हैं उनकी अहम पारी क्या अहमियत रखती है, वो बल्लेबाजी उनकी यकीनन इसमें कोई दौरा नहीं। जिस तरह से कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं, अल्लाह दर्जे की बल्लेबाजी और बेहतरीन शॉट, उमदा शॉट लगाते हुए कप्तान समीर लाखानी स्कोर जा पहुंचा। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 7 रन। थोड़ा जल्दी जल्दी करें कप्तान, क्योंकि आपको पता है यहां पर दोनों अंपायर को मैं बता दूं 8 मैचेस जब लेना है तो यहां पर कोई रुकावट में खेलना हो। झिलमिलाता मौसम, बादल मंडराते हुए आसमान पे सूरज की किरणें जा छुपी, जिस तरह से मां के आंचल में बच्चा छुप जाता है बादलों के भीतर सूरज की किरणें जा छुपी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। पर आंखों से काजल जिस तरह से चुराते हैं वैसे रन चुराने में माहिर जाने जाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। राइट अम्बर द विकेट, एक्स्ट्रा कवर में बार शॉट लगाना चाहते थे पर बल्ले भी नहीं आई, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी दूर से हटके खेला यहां पर अमित ने। लॉन्ग अप और मिड विकेट बिग फील्डर को रखा है। बढ़िया बल्लेबाजी, जब बड़े शॉट नहीं लगा रहे आप तो यहां पर स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। आदर्श क्रिकेट क्लब का स्कोर है 9 रन। यहां से तो रनों की जो गति है कप्तान लाखानी को बता दूं बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्कल का ओवर चल रहा है। जब आपके सर्कल में नहीं ओवर बनेंगे रन बनेंगे तो यहां पर यकीनन यहां पर आत्मविश्वास आपका कम हो जाएगा। कदमों का इस्तेमाल, फील्डर वहां पर और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। वो जो गैप रहता है ना आपका, वो गैप नहीं रखना चाहिए कप्तान, मैं बता दूं। डीजे बाबू तैयार, गेंदबाजी तैयार यहां पर, और क्या कनेक्ट है सीधी दो गैप में से निकल के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचे अब 14 रन। फिर से अपने बॉलिंग मार पर राइट हम और दो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान समीर लाखानी के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी समीर भैया, क्या जबरदस्त समझदारी की क्रिकेट खेल रहे हैं, समझदारी की बल्लेबाजी करते हुए। एक अच्छे कप्तान की यही निशानी होती है कि जिस तरह से कप्तान भरी पारी आप खेल रहे हैं, सूझबूझ की ये क्रिकेट, सूझबूझ की ये बल्लेबाजी, आला दर्जे की बल्लेबाजी। इस बार रिवर्सशिप यकीनन आत्मविश्वास बढ़ेगी। आदर्श युवक विकास मंडल रायगांव द्वारा आयोजित आदर्श क्लब रायगांव का स्कोर है 19 रन। एक विकेट के नुकसान पर 19। थोड़ा जल्दी जल्दी करें अंपायर, और मैं बता दूं यहां पर 8 मैचेस लेना है कप्तान, इतना लेट ना करें। अब आए गेंदबाज मूर्ति लहान कीर्ति महान असलम।
कैमरामैन हैंड सिग्नल बाजी कर रहे हैं, शायद भरोसा जताया युवा खिलाड़ी है, युवा गेंदबाज है, तो जब भी मौके युवा गेंदबाज को मिलते हैं तो कितने खरे उतरते हैं कप्तान के इस फैसले पर, गेंदबाजी में क्या विकेट दिलाएंगे यहां पर, ये साझेदारियां हैं। नो बॉल का इशारा अंपायर का और ये फ्री हिट, नो बॉल जर्क, क्योंकि आपको पता है दो गेंदे आपने कर दी यहां पर ऐसी, तो ये डिमर किया जाएगा, ये बंद किया जाएगा गेंदबाज को, ये रूल है यहां पर टूर्नामेंट का। गेंदबाजी को चेंज कर दिया उन्होंने, अब आया है एडी कप्तान कर्णधार, और कप्तान के लिए गेंदबाजी करेंगे आप। सामने है आदर्श क्लब राड़ेगांव के कप्तान समीर लाखानी, जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं अमित के साथ, देखना है कौन थे कप्तान भारी यहां पर। ये वाइट गेंद, यकीनन यहां पर वाइट गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर मेरा अंपायर का इशारा था हुआ, इसी वाइट के साथ रन संख्या जा पहुंची 21 रनों पर, थ्री डे कंटिन्यू। अच्छी गेंद पर थोड़ा सा यहां पर मिसफील्ड होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, 22 का रन, 22 रन पे जाके पहुंचा स्कोर, एक विकेट के नुकसान पे, जबकि प्रशांत लव टेप बिना खाता खोले, पर अमित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आप। फिर से आपने बॉलिंग मार पर, ये पटकी हुई गेंद पर ऑस्टम के काफी बाहर, कोई दिक्कत परेशानी ने मेरा अंपायर के लिए वाइट करार दी, वाइट का हिसाब आता हुआ 23 रन, थोड़ा सा फिसलती हुई गेंद हाथों से कप्तान के। और यहां पर थोड़ा सा हाथ को लकी गई है गेंद असलम के, बढ़िया फील्डिंग बढ़िया थ्रो, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ लक्ष्य पहुंचा 24 रनों पर, फिर से कप्तान आए, कप्तान के लिए गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर समीर लाखाने आदर्श की क्लब राड़ेगांव के कप्तान के लिए, अगली गेंद कप्तान की, शायद ये गेंद अगर वो छोड़ भी देते तो ये वाइड गेंद होती, पर शायद उनको पता है थोड़ी शॉर्ट प्लेन गेंद थी और इसे खेलना चाहते थे कवर की दिशा में। क्लीन बॉल, स्लोअर डिलीवरी, चेंज पेस ललचाया है यहां पर, उंगलियां थी आते हैं यहां पर, खाता खोला रोशन ने, मिड विकेट की फील्डर जब तक आके फील्ड कराते आसानी से सिंगल आता हुआ, दो विकेटों के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची, तीसरा ओवर जारी लगभग 25 रन, आदर्श की क्लब राड़ेगांव का स्कोर है 25, दो विकेटों के नुकसान पर।
कदमों का इस्तेमाल और यहां पर अंपायर का निर्णय अंतिम। देखना है क्या निर्णय आता है। नॉट आउट, नीचे लगी है गेंद। वो ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के समाप्ति के बाद दो विकेटों के नुकसान पर आदर्श की क्लब राडेगांव का स्कोर है 25 रन। अब आ रहे गेंदबाज गौरव कोटे का पहला टीम की ओर से 14 ओवर लेकर स्ट्राइक पर रोशन, लॉन्ग स्ट्राइक पर अमित। अब थोड़ी फील्ड सजाते हुए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट कवर फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में रखा एक फील्डर को, एक मिड ऑन पे भेज रहे हैं। थोड़ा सा फील्ड में सजावट तब्दीली करते हुए कप्तान कर्णधार जगना काफी तेजी से पहला रन लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे शायद नहीं, क्योंकि जानते हैं कप्तान काफी तेजी से आए थे गेंद पर। रोशन अगर हिट लगाते हैं तो 200 रुपए का इनाम अमोल की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, और यहां पर समझना पड़ेगा अमित को, पूरा दारोमदार आपके कंधों पर है और ये साझेदारी जिस तरह से निभाई है समीर लाखानी कप्तान के साथ में आपने, वो साझेदारी की जरूरत है। पर क्या सटीक गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, उमदा गेंदबाजी। फुल टॉस बॉल को मिस कर रहे हैं और ये ललचा रहे हैं बल्लेबाज को, लालच बुरी बला होती है। और रन संख्या अभी भी रुकी 26 के कुल योग पर। फिर से बॉलिंग मार पर राइट आर्म ऑफ द विकेट गौरव, सामना करेंगे अमित। बार थोड़ा सा मिस फील्ड और पूरा फायदा उठाएंगे बल्लेबाज, जहां पर एक रन आसानी से मिलना चाहे तो वहां दो रन लेते हुए दो रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 28 के कुल योग पर। ये कड़ा प्रहार सीधा कप्तान के हाथों में, बढ़िया कनेक्ट किया था पर शायद थोड़ा सा लंबाई कुछ थोड़ी सी, अगर ये गेंद हाइट रहती थी तो यहां पर 6 रन मिल पाते, गहरे को नहीं भाप पाए। बल्लेबाजी में थोड़ा सा घूम गया था ऐसा लग रहा है उनका बल्ला हाथों में। तीसरा झटका लगता हुआ आदर्श क्रिकेट क्लब राडेगांव को अमित के रूप में। आप जा रहे बल्लेबाज आसमान पे, आकाश भले ही थोड़ा सा यहां पर मौसम खराब पर भी आकाश के पास अच्छी काबिलियत है बल्लेबाजी करने की। रोशन अगर छक्का लगाते हैं तो अमोल की ओर से 200 का इनाम।
आकाश अगर चौका लगाती है तो सौरभ का इनाम अंकित की ओर से। फील्डर वहां तैनात, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शायद गेंदबाजी जिस तरह से कर रहे हैं और ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, और गेंदबाजी इस तरह की कर रहे हैं कि जहां पर फील्डर लगा है वहां पर गेंद जा रही है। चार ओवर के समाप्ति के बाद तीन विकेटों के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची 29 रन। फिर से आपने बॉलिंग मार पार। उजित रायगांव प्रीमियर लीग RPL क्रिकेट चषक 2023 रायगांव प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धे करिता रायगांव क्रीडा नगरीत आलेल्या माझ्या मतदार संघातील सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत स्वागतोत्सुक। ये बल्लेबाजी करने पड़ेगी यहां से। 2 ओवर 12 गेंदों में अगर 24 रन भी बना लेते हैं आप, यकीनन ये 50-55 का टारगेट होगा। तो वहां दूसरे रन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, और जब फील्डर एक बेहतरीन फील कर रहा है तो थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज पर भी रहता है। सिंगल डबल देने में तो कोई संदेह नहीं यहां पर गेंदबाजों के लिए। दो रन के साथ में लक्ष्य पहुंचा आप, जबकि 5 ओवर जारी है। 3 विकेटों के नुकसान पर 33 रन 33 लॉस ऑफ 3 विकेट अदर्स क्रिकेट अब्रॉड गांव। फिर से अपने बॉलिंग मार पर राइट हम और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये व्हाइट यकीनन व्हाइट मेन अंपायर टेम्बरेसर का इशारा, व्हाइट का इजाफा होता हुआ 34 रन पे जाके पहुंचा स्कोर, जबकि 5 ओवर लगभग अभी जारी। राइट हम और 2 विकेट बल्लेबाज के लिए। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में है पर फील्डर शायद थोड़ा सा दूर खड़े। 2 रन के साथ अच्छी साझेदारी यहां पर बनानी पड़ेगी, जरूरत है आदर्श क्रिकेट ब्राडेगांव को। इसी 2 रन के साथ में लक्ष्य पहुंचा आप 36 के कुल योग पर। एक या दो बाउंड्री आती है तो ये लक्ष्य अच्छा होगा। सुबह सुबह में थोड़े से रन कम बनते हैं क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा बदल चुका है, सूरज की किरणें बादलों के भीतर जा चुकी है, थोड़ा सा नमी है यहाँ पर। सिंगल के साथ 37। रोशन अगर छक्का लगाते हैं तो अमूल की ओर से 200 रुपए का इनाम मिलेगा रोशन के लिए। अगली गेंद सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर आदर्श क्रिकेट ब्राडेगांव का स्कोर है 38 रन। देखना है आखिरी ओवर लेके कौन आता है, इसके बाद का अहम मुकाबला खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला, दोनों टीमें तैयार रहे, दोनों टीम के कप्तान तैयार रहे, टॉस के लिए आ जाइए। अमोल भैया किसका मैच है इसके बाद, भोरी महल वर्सेस बिलाल राडेगांव। दोनों टीम के कप्तान टॉस कर ले, बिलाल कलम। लगातार अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए रितेश इनके ओर से। यकीनन लेग स्टंप के बाहर, कोई दिक्कत परेशानी में अंपायर शाम के लिए। व्हाइट का इजाफा आता हुआ
इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची 39 के कुल योग पर, अंतिम ओवर जारी कप्तान के रूप में। जल्दी जल्दी कर रहे हैं समीर भाई, बहुत टाइम हो चुका है। एडी कप्तान कर्णधार राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन के लिए। बढ़िया गेंदबाजी, नफीद गेंदबाजी, ऑफ टाइम अटैक गेंदबाजी, कोई मौका नहीं है रोशन के पास बल्लेबाजी करने का। और इस तरह की गेंदबाजी अगर करेंगे आप, यकीनन आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर बल्लेबाजी में तो विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर धीमी बल्लेबाजी दिखती हुई आदर्श की क्लब राड़ेगांव की, जिस तरह से समीर और अमित बल्लेबाजी करते उसके मुकाबले में काफी धीमी। सिंगल देने में कोई संदेह नहीं, यहां पर गेंदबाजों के लिए देना चाहते हैं उन्होंने आराम से, और सिंगल के साथ में रन संख्या जा पहुंचा आप 40 के कुल योग पर। यहां से तो एक या दो बड़े हिट आते हैं तो अच्छा लक्ष्य और अच्छी मैच देखने मिलेगी दर्शकों को। दर्शक धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां पर आप मैदान पर, क्योंकि एक ही रन था यहां पर बराबर है बल्लेबाज का, कि जिस तरह से वो उनको बताया कि गेंद पे आ चुके थे, छक्का लगाते तो 200 रुपए अमोल की ओर से, चौका लगाते तो अंकित की ओर से 100 रुपए, तीन छक्के लगाते हैं यहां पर 500 रुपए, किस की ओर से 200 रुपए का इनाम अमोल की ओर से उनके ऑनलाइन खाते में, और 100 रुपए का इनाम अंकित की ओर से। फिर से अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म और विकेट, कैमरामैन टॉस हो रहा है, इधर थोड़ा सा घुमा दे अपना कैमरा सागर और सारंग और आयुष जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं। बिलाल इन द टॉस, चेस टू बॉल या बैट निर्णय आना बाकी अभी तक। वन 50 रन और 50 रन चाहिए जीत के लिए।
आचार्य वसंतपुर के माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य। आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग RPL क्रिकेट चषक 2023 RPL क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडानगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक माऊली बिल्डर अँड डेव्हलपर माऊली पार्कच्या वर्धा कापसी रोडला लागून राळेगाव जिल्हा यवतमाळ। संपर्क अमोल बाबूळकर मोबाईल नंबर। आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग RPL क्रिकेट चषक 2023 RPL क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक मंगलमूर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फर्निचर वडती रोड राळेगाव प्रोप्रायटर ज्योतीन ब्रदर्स मोबाईल नंबर 9989001014915811588। आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग RPL क्रिकेट चषक 2023 RPL क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडानगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक जांगाव गिरी उपनगराध्यक्ष नगर पंचायत राळेगाव। आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग RPL क्रिकेट चषक 2023 RPL क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक हॉटेल गैलेक्सी यवतमाळ रोड राळेगाव प्रोप्रायटर मंगेश शिवणकर मोबाईल नंबर 9881793144। आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग RPL क्रिकेट चषक 2023 RPL क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक जय हनुमान बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स ओम ब्रिक्स संचालक हरीश गुल्हाने मोबाईल नंबर 8208। जीत के लिए लक्ष्य है यहाँ पर पूरे 50 रनों का। 36 गेंदे 50 रन चाहिए जीत के लिए। चंदू नगराड़े पहली ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट एडी के लिए कप्तान के लिए। और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फिर से अपने बॉलिंग मार पर कप्तान के लिए चंदू नगराड़े राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया वापसी ये लेंथ लाइन चाहिए यहां पर। इस तरह की गेंदबाजी अगर करेंगे यकीनन बल्लेबाजी थोड़ी गलती करेगा।
क्या चाहेंगे समीर लाखानी कप्तान की एक विकेट एक साझेदारी तोड़ा जाए यहां से, जिस तरह से साझेदारी होगी फिर बल्लेबाजी इनके पास काफी लंबी। अच्छे फील्ड, सिंगल के साथ 5 रन। वैसे आपने बॉलिंग मार पर कैमरा से गेंदबाजी करते हुए चंदू नगर राइट नंबर 2 विकेट कबीर के लिए। बेहतरीन फील्डिंग कप्तान समीर लाखानी की, अगर विकेट लेते हैं तो अंकित की ओर से हर विकेट के लिए 101 रुपए का इनाम, हर विकेट के लिए 101 रुपए का इनाम अंकित की ओर से। बार अच्छी फील्डिंग वहां पर फिरोज लाखानी द्वारा, 6 रन पे जाके पहुंचा स्कोर। राइट आर्म ऑफ द विकेट बल्लेबाज एडी के लिए कप्तान के लिए अगली गेंद। बढ़िया फील्डिंग अजय एडी की, 7 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पार। यहां पर अगर आदर्श क्रिकेट क्लब को वापसी कराना है तो यहां पर विकेट की दरकार। दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं गेंदबाज प्रशांत निकोटे का, पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर प्रशांत। तीस गेंदे जीत के लिए चाहिए अभी भी 43 रन। ये बोनस दे रहे हैं आप यहां पर बल्लेबाज को और ये 4 रन। बढ़िया फील्डिंग यकीनन कप्तान की अच्छी फील्डिंग वहां पर समीर लाखानी की, सिंगल के 7 रन संख्या जा पहुंची 12 रन, जबकि दूसरा और प्रगति पर प्रशांत द्वारा। फुल टॉस गेंद डाल रहे हैं और कोई मौका नहीं यहां पर फील्डर के पास इसे रोकने का 4 रन के लिए। चार रन के साथ में लक्ष्य पहुंचा अब 16 रन पर बिना विकेट खोए। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई यहां पर कप्तान और कबीर के बीच। मौका है यहां पर बेहतरीन कैच कप्तान का,
₹100 का इनाम अंकित की ओर से गेंदबाज के लिए आता हुआ। करना है बल्लेबाज और यहां पर ये कैच का मौका छोड़ा, जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर दो रन दे दिए। अगर ये विकेट होता तो अंकित की ओर से फिर से आपके खाते में ₹100 जाते। फिर से प्रशांत राइट आर्म ओवर द विकेट, यहां पर सर्कल खुलता हुआ, पावर प्ले खत्म होता हुआ। अब आएंगे गेंदबाजी के लिए फिरोज लाखानी। फिरोज लाखानी आते हुए यहां पर गेंदबाजी के लिए कोटे का पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर दौर के समाप्ति के बाद आंखों दिखा ले। एक विकेट के नुकसान पर 20 रन, थोड़ी फील्ड में थोड़ा सा फील्डिंग यहां पर सस्ती हुई। सर्कल खत्म होता हुआ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट कवर गली और एक स्लिप में थोड़ा सा तैनात और एक फाइन रखा है फील्डर को पॉइंट पे खेलते हुए यहां पर कप्तान समीर लाखानी। बढ़िया कैच, ₹100 का इनाम अंकित की ओर से फिरोज लाखानी के प्लस फिरोज लाखानी के लिए। ये दूसरा झटका लगता हुआ, बढ़िया विकेट का पतन यहां पर आते ही ब्रेक थ्रू दिलाया फिरोज लाखानी ने। और यहां पर बैठे मेरे साथ में स्कोरर बता रहे थे रितेश, क्या यहां पर गेंदबाजी के लिए आना चाहिए उनको, यकीनन अच्छी सोच यहां पर रितेश के, जो कि स्कोरर की अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले ओवर में पहला विकेट पहली गेंद पर और ललचाया था बल्लेबाज को, बेहतरीन कैच वहां पर और क्षेत्र की दिशा में। शायद सफल किया है यहां पर बल्लेबाज ने, अगर इस गेंद को छोड़ती तो यकीनन वाइट होती, पर सफल खेल के खेल रहे इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं मेरे अंपायर के लिए। और दो विकेट यहां पर, ₹100 का फिर से इनाम आता अंकित की ओर से फिरोज लाखानी के लिए।
అదే హర్దీతే ఇక్కడ और इस सिंगल के साथ मरण संख्या जा पहुंची 21 रन। अच्छा और घट रहा है ये, पहले पिछले दौर के मुकाबले में विकटे गिरी है अभी तक 3-2 उसमें विकटे हैं यहां पर। फिर लाखानी के और से लिए गए, चकमा दिया यहां पर, दूसरा रन लेना चाहते हैं पर मना कर दिया। बढ़िया फील्डिंग वहां पर चंदू नंगराड़े की, बेहतरीन अंपायरशिप कही जाएगी यहां पर केंद्र सर और शाम की। स्कोर रितेश, कैमरामैन सारंग सागर और आयुष नागपुर से बिलोंग करते हैं, संगीत की बौछार कर रहे हैं यहां पर। राड़ेगांव के सरजमी पे बेहतरीन सजावट की इसमें पिंडोल की, मंडप को सवारा है। बढ़िया फील्डिंग, तीन ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन। देखना कप्तान समीर लाखानी किसको बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए। आपीएल आपीएल रालेगांव रालेगांव आदर्श युवक विकास मंडल रालेगांव द्वारा आयोजित रालेगांव प्रीमियर लीग आरपीएल क्रिकेट चषक 2023 आरपीएल क्रिकेट सामन्याकरिता रालेगांव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत स्वागतोत्सुक। फिरोज लाखानी, सचिव आदर्श युवक विकास मंडळ रालेगांव। पारी खेलने पड़ेगी कप्तान को, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कवर गली, फाइन लेग, मिड ऑन मिड ऑफ, थर्ड मैन पे एक फील्डर को लगाया, ऑफ साइड पे एक फील्डर को लगाया है। बढ़िया गेंदबाजी, ललचा रहे हैं बल्लेबाज को, जानते हैं क्या उम्मीद रखती है गेंदबाजी पर, समझना पड़ेगा कप्तान को क्योंकि अहम रोल निभाना है कप्तान कर्णधार को। कप्तान ने कप्तान की विकेट ली थी, क्या कप्तान ये कप्तान की विकेट लेंगे? शायद कप्तान नहीं है स्ट्राइक पर। और यहां पर नो बॉल, थोड़ा सा सामने से लगाया है इसे।
ఇక్కడ అందరూని కినారా లెక్క గెలిచింది నో బాల్ క్యాన్సల్ క్యూకే ఏ క్యాష్ అవుట్ హే 100 రూపాయల ఇనామ ఆతా హూ అంకిత్ కి ఓర్ సే అభి తక్ పైసే జమా నీ హూ అంకిత్ ఆన్లైన్ పర్ कॉर्ड भी आए ना ये आउट हुए हैं उन्होंने काउंट के लिए ही मंगा था उन्होंने कैच के लिए ही निर्णय मंगा था विकेट कीपर ने बढ़िया गेंदबाजी कप्तान द्वारा समीर लाखानी बेहतरीन कैच वहां पर विकेट कीपर अमित का रन संख्या रुकी अभी यहां पर चार विकेटों के नुकसान पर 23 रन जीत के लिए चाहिए अभी भी 27 रन कितने गेंदों में 16 गेंदे 27 रनों की जरूरत नॉट आउट बढ़िया अंपायर शिव शाम की क्या रोमांचक मैच घट रहा है ये यकीनन नहीं होता थर्ड अंपायर की तरफ गए रिव्यू की तरफ क्लोज 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 और ये बैट क्लोज और ये विकेट क्योंकि थोड़ा सा यहां पर करीबी मामला था ये यहां पर क्या बेहतरीन फील्डिंग की और क्या बेहतरीन थ्रो था वो बदन पे रोंगटे खड़े कर दिए यकीनन यही ऐसा लग रहा था कि ये पहुंच गए पर यहां पर जो बल्ला था उनका थोड़ा सा हाथ में रह गया था उनका थोड़ा सा हवा में रह गया था पांचवा झटका लगता हुआ ये ले चलता हूं मैदान पर आपको आंखों दिखाल मैं एम के खान कमेंटेटर आरने से और सीधा आंखों दिखाल क्या बेहतरीन फील्डिंग और क्या बेहतरीन गैदर किया कप्तान समीर लाखानी ने ये बेहतरीन विकेट इसके पहले कैच आउट का उसके बाद में रन आउट का बल्ला जब आप हाथों में लेके चलते हैं तो थोड़ा सा यहां पर फिर से आपने बॉलिंग वार पर राइट आर्म और दो विकेट समीर लाखानी कप्तान बढ़िया ओवर बढ़िया गेंदबाजी स्लो डिलीवरी ललचा रहे हैं बल्लेबाज को वेरिएशन देखो कितना जबरदस्त है एग्रेशन देखो कितना बेहतरीन है पर एक साझेदारी चाहिए यहां पर डोंगर खड्डा को बड़े बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और ये चार रन पूरे टाइमिंग के साथ में लगा रहे हैं ये फिर से समीर लाखानी थोड़ा सा परखना पड़ेगा साहेब जाते हैं वहां से ये इसके दो तीन दौरे हो रहे हैं यहां से सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची 28 रन उसको भी पता है और डॉग को कि यहां मैचेस चालू है और इनको दौड़ के जाना पड़ेगा इंजॉयड है वो भी रन संख्या
आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित आरपीआर क्रिकेट खेळले सामने सामन्याकरिता राळेगाव नगरी येणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत उत्सुक आदर्श युवक विकास मंडल राळेगाव। अब आए कोटी का दूसरा वो लेकर फिरोज लाखानी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दो विकेट लिए थे अपने इस ओवर में, पहले ओवर में। देखना अभी यहाँ क्या कर पाते हैं, पर एक साझेदारी चाहिए डोंगर खड्डा को, वो साझेदारी युवा बल्लेबाजों के बीच होनी चाहिए। अभी भी जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे 22 रनों की दरकार। बढ़िया फील्ड लगाई है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, मिड विकेट है, फाइन लेके थर्ड मैन है, मिड ऑन मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर है, बाहर जाएगी ये। उनके पाले में गिरी थी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, ये लाइन लेते रखनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आप चाहिए 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत जीत के लिए। अभी भी नौ गेंदे 15 रन, सभी नजरों दर्शकों की नजरें इस मैदान पे, दर्शक अब यहां पर काफी तादाद में आते हुए, दर्शक बिना क्रिकेट सुना, दर्शक आन बान जान और शान, ये राळेगांव की सरजमी की पहचान। पर क्या बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी की दोनों ही बंदों ने, समीर लाखानी ने और फिरोज लाखानी ने, 9 गेंदे 15 रन, ये युवा बल्लेबाज, इनमें काबिलियत है यहाँ पर रन बनाने की। खास करके नॉस्टैक के बल्लेबाज जो है वो काफी फॉर्म में दिख रहे हैं मुझे बल्लेबाजी में, पर विकेट लेना पड़ेगा अगर यहां पर ये मैच में वापसी करना चाहते हैं, ये साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा। और आसान सा क्या छोड़ा, आसान सा क्या छोड़ा यहां पर, ये क्या छोड़ा या मैच छोड़ा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यकीनन ये टर्निंग पॉइंट होगा मैच, टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये मैच। सिंगल के साथ लक्ष्य पहुंचा, अब अड़तीस रन जीत के लिए चाहिए, अभी भी 12 रन, 7 गेंदों में 12 रन। विकेट लेते हैं यहां पर तो 200 रुपए का इनाम नीतीश की ओर से, 100 रुपए का इनाम अंकित की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत, फिर से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ ये। कौन आएगा, चंदू नगराड़े आएंगे गेंदबाजी के लिए या फिर से समीर लाखानी आएंगे, अभी तो डिस्कस होना उनका बाकी। इसके बाद का मुकाबला बोरी महल वर्सेस बिलाल इलेवन का मुकाबला, थोड़ा जल्दी जल्दी करें फिरोज भाई, क्योंकि टाइम हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ये, 8 मैचेस लेना है आपको। अंपायर थोड़ा ध्यान दे, शाम भाव और टेम्बरे सर, वो 2 रन काफी कमी खली गई वहां पर, क्या छुटा, और बल्लेबाज भी थोड़ा सा ऐसे इजी कैचेस, कब पकड़ो कैचेस, जीतो मैचेस कहा जाता है, कैचेस विन द मैचेस, वो टर्निंग पॉइंट तो नहीं रहेगा,
वो कैच, क्योंकि वो बल्लेबाज अभी भी खेलते हुए, 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 12 रन चाहिए जीत के लिए। काफी कड़ा मुकाबला, काटे की टक्कर, कमजोर दिल का व्यक्ति ये मैच ना देखे कि हॉस्पिटल यहां से काफी दूर, काफी रोमांचक, बदन पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मैच। 6 गेंदे और 12 रनों की दरकार। डॉट बॉल पे 51 रुपए रितीश की ओर से हर डॉट बॉल पर, और विकेट के लिए 200 रुपए रितीश की ओर से, अंकित की ओर से 100 रुपए का इनाम। और ये 4 रन। पांच गेंदे 8 रन चाहिए जीत के लिए, 5 गेंदे 8 रन। बढ़िया कैच, बढ़िया विकेट का पतंग यहां पर। 4 गेंदे 8 रन, रोमांचक होता हुआ है मुकाबला। मैंने पहले कहा था कि जो भी कमजोर दिल का व्यक्ति हो, दर्शक हो, यहां से चले जाए, क्योंकि हॉस्पिटल यहां से काफी दूर। लोटे डेकोरेशन राड़ेगांव, इनके ओर से कंटिन्यू 2 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज को। 2 विकेट लेने वाले को 1000 रुपए अमूल की ओर से। लोटे बंधु जो के जिन्होंने मंडप और ये डेकोरेशन सजाया है, उनके ओर से 2 छक्के के लिए 500, जो कैच लेगा उसको 200 रुपए का इनाम। संतोष भैया की ओर से, अमोल की ओर से 1100 रुपए का इनाम। 2 विकेट लेते हैं 2 गेंदों पे, ऑनलाइन में जमा हो जाएंगे पैसे फोन पर। लोटे बंदी की ओर से 2 छक्के लगाते हैं तो 500 का इनाम, 1100 का इनाम विकेट के लिए। तीन गेंदे सिंगल आया है पहले, आप लिख ले। 3 गेंदे जीत के लिए चाहिए, 7 रन। 2 छक्के लगाते हैं लोटे बंद की ओर से। ये कैच का मौका, आसान सा कैच छोड़ दिया, आसान से 2 कैचेस। कैचेस इन द मैचेस, एक शॉर्ट रन आया है। 2 गेंदे 6 रन चाहिए जीत के लिए। ये आसान से 2 कैचेस छोड़े, एक लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ पर। 2 छक्के लोटे बंदी की ओर से, 500 का इनाम। और ये वाइट, 2 गेंदे 5 रन। आसान सा क्या छोड़ दिया था एडी ने, अजय ने, और इसका सीधा भुगतान भुगतना पड़ेगा यहां पर। और ये मैच यहां पर जीत चुके हैं। 2 कैचेस छूटे, ये टर्निंग पॉइंट था, और टर्निंग पॉइंट का यहां पर जबरदस्त कड़ा प्रहार, ये कैच छूट का फायदा उठाया इस बंदे ने। आसान से 2 कैच छोड़े, ये कैच नहीं, ये मैच था, और मैन ऑफ द मैच बने यहां पर डोंगर कड्डा जूनियर बाबू के खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच। ऐसे समय में 2 कैच छूट जाते हैं तो यहां पर उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा आपको।
अगला मुकाबला बिलाल इलेवन वर्सेस पूरी महल द्वारा आयोजित रायगांव प्रीमियर लीग आरपीएल क्रिकेट चषक 2023 आरपीएल क्रिकेट सामना करिता रायगांव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे जल्लोषात स्वागत स्वागत आर प्रफुल्ल चौहान आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग आरपीएल क्रिकेट चषक 2023 आरपीएल क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत स्वागतोत्सुक डॉक्टर कुणाल गुहर शहर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राळेगाव आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग आरपीएल क्रिकेट चषक 2023 आरपीएल क्रिकेट सामन्याकरिता राळेगाव क्रीडा नगरीत आलेल्या सर्व खेळाडूंचे व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत प्रदेश शहर अध्यक्ष काँग्रेस राळेगाव आदर्श युवक विकास मंडळ राळेगाव द्वारा आयोजित राळेगाव प्रीमियर लीग आरपीएल क्रिकेट चषक 2023